क्वेश्चन नंबर वन बच्चों, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। बच्चों फिगर देखें, राइट एंगल बच्चों बी पर है, एबी यहां 24 सेंटीमीटर है और एसी सॉरी बीसी जो है 7 सेंटीमीटर है। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन करने बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें थर्ड साइड पता होनी चाहिए, है ना, जो कि यहां पता है नहीं, तो उसे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी एसी स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चों को? क्या बच्चों पाइथागोरस थ्योरम या हाइपोटेन्यूज क्या बच्चों? एसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों 24 और 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, ये हो गया बच्चों 625। एसी मिल जाएगा आपको 625 का स्क्वायर ले लीजिए 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपके पास एसी है कितना 25 सेंटीमीटर। अब आप कोई सा भी रेशो बता सकते हैं। पहले पार्ट में क्या बताना बच्चों आपको? साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए क्या होता है बच्चों? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां परपेंडिकुलर क्या बच्चों? एंगल ए के लिए ये है, तो क्या हो जाएगा बीसी अपॉन एसी मतलब 7 अपॉन 25। और बच्चों कॉस ए बताना है, ये होता है बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां बेस पहचान पा रहे हैं बच्चों, क्या है बेस? ए बी और हाइपोटेन्यूज एसी है, तो हो जाएगा 24 अपॉन 25। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, साइन सी कॉस सी बताना बच्चों। अब इस एंगल के लिए साइन सी के लिए बच्चों परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा 24 25। कॉस सी क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना बच्चों यहां इस एंगल के लिए? बेस ये होगा, तो बीसी अपॉन ए सी मतलब 7 अपॉन 25। और ये रहे आपके आंसर्स, फर्स्ट पार्ट यहां है, सेकंड पार्ट हो रहा है।